अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कैप्सिकम ऑमलेट। ये हमने 3 अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर जाएगा ये कैप्सिकम है, हाफ स्मॉल कैप्सिकम हमने काट लिए है। ये टोमेटो है, ये मिर्ची है, 2 छोटी हरी मिर्ची 2 हमने काट लिए हैं। ये छोटी आधी प्याज ले लिए हैं, ये धनिया है और नमक और घी में, इसे देसी घी में फ्राई करेंगे। ये सब चीज़ हम अपने अंडे में डाल के इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। इसमें हमने डाल दिए हैं हर चीज़, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल दिए हैं। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये हमने नमक डाला है। इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ये 3/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। अभी हम इसको अच्छे से इससे फेंट लेते हैं फोक की मदद से, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है, इसके अंदर हर चीज़ डाल दी हमने, टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, हरी मिर्ची, धनिया, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब चीज़ अच्छे से डाल के हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। और हमारा घी भी अब गर्म हो चुका है। अब ये फीटा हुआ अंडा इसमें फ्राई पैन में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। हमने देसी घी डाला है, आप इसको तेल में भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। मीडियम स्लो गैस ही रखिए, फास्ट गैस पे अंडा जल जाएगा। अच्छे से चारों तरफ फैला दीजिए। हमने अच्छे से फैला दिया है चारों तरफ, गैस भी हमारा स्लो मीडियम गैस पे है। देसी की ये देखिए, ये हमारा अंडा इस तरफ से पक गया है। अभी इसको हम पलट देंगे। दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे हम लोग। अच्छे से दूसरे साइड से भी अच्छे से पक गया है ये, देखिए। अभी इसको हम, ये अच्छे से पक गया है, अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा कैप्सिकम अंडा बन के तैयार हो गया है। आप भी इसे बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। इसको ब्रेड के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, इसको टोस्ट करके खाइए ब्रेड में, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। आप ग्रीन एंड रेड कलर की भी कैप्सिकम डाल सकते हैं इसके अंदर, उससे भी कलरफुल हो जाता है। मेरे पास थी नहीं अभी, नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना कैप्सिकम वगैरह डाल के, रेड एंड ग्रीन कलर की, ग्रीन तो डाला है, रेड एंड येलो तो आपको फिर बताऊंगे इसके रेसिपी। उसमें चीज़ वगैरह भी डालेंगे और टोस्ट सैंडविच बनाएंगे उसका।